हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक शीट मास्क का रिव्यू दिखाने वाली हूं और साथ ही साथ मैं उसे अप्लाई करके भी आप सभी को दिखाने वाली हूं। तो दोस्तों, वो शीट मास्क है गार्नियर स्किन नेचुरल न्यू विटामिन सी शॉर्ट फ्रेश मिक्स बूस्टर मास्क, और ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग एंड एनर्जाइजिंग बनाता है 15 मिनट्स में, और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। एंड इसका जो पीछे से पैकेजिंग है वो इस तरीके से है, और ये जो शीट मास्क है ये आप इंस्टेंटली ही इसके अंदर सेरम मिलाएंगे, और ऊपर इसके अंदर ये जो मास्क है, ड्राई मास्क इसमें दे रखा है, जो शीट दे रखी है इसके अंदर आप इस तरह से ये जो सेरम दिया हुआ है ये आप खुद ही मिलाएंगे इसमें, और इसे किस तरह से मिलाना है वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 150 रुपीज़, और इसका जो 33 ग्राम इसकी क्वांटिटी आती है इसके साथ में। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन को, जैसे कि हमारी स्किन डल और टायर्ड रहती है, थकी थकी सी रहती है, उस स्किन को ये ब्राइटनिंग देता है और एनर्जाइजिंग बनाता है ये फेस मास्क, ये शीट मास्क। और 15 मिनट्स तक आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करके रखना है। और ये जो प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट आता है, और अब चलिए इसे लगा करके देख लेते हैं। और इसे लगाने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। एक बार फिर से मैं रोज़ वाटर से अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी ताकि कोई भी डर्ट इसे लगाने से पहले फेस पर ना रहे। और ये मैंने क्लीन कर लिया है, और अब इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है इसे आपको किस तरह से मिक्स करना है, जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है। सबसे पहले इस साइड से इसे फोल्ड करना है, एंड जो ये वाला साइड है इसे अब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, बाहर की तरफ से इसे आपको फोल्ड करना है, और ये इस तरह से फोल्ड आपको करना है, देखिए आप। एंड अब इसे यहाँ से आपको पुश करना है, इस तरह से आपको इसको पुश करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ से खुल जाएगा। और मैं इसे पुश कर रही हूँ, और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मास्क। और ये इस तरह से हमारा मास्क आप देख सकते हैं सेरम में भीग चुका है। और इसे हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब करवाएंगे सेरम को, शीट मास्क को सेरम में, और देन फिर हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करवा लेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा शीट मास्क है जो पूरी तरह से सेरम में भीग चुका है। और अब इसे हम ओपन करेंगे, तो ओपन किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से इसे हम खोल लेंगे पहले, और जो एक्स्ट्रा जो सेरम होता है ना दोस्तों वो यहाँ पर आ जाता है। तो आप इसे बाद में भी कॉटन से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रिज में रख कर के, और इसको आप किसी भी कांच के कंटेनर में या फिर किसी भी प्लास्टिक, साफ प्लास्टिक के कंटेनर में इसे भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेस्ड शीट मास्क के द्वारा भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये यहाँ से इसमें कट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से ही इसे ओपन करना है, ये देखिए आप। और ये इस तरीके से हम इसमें से शीट मास्क को निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और ये बाकी का जो सेरम है आप एज इट इज़ भी इसे रख सकते हैं फ्रिज में, और काफ़ी ज़्यादा ही इसके अंदर ये सेरम है। और अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा सेरम इसके अंदर है, आप देख सकते हैं नीचे भी कुछ ड्रॉप्स गिर चुकी हैं। और ये जो शीट मास्क है काफ़ी ज़्यादा थिन है,
एंड थोड़ा सा ट्रिकी ही होता है इस शीट मास्क को रिमूव करना, सॉरी खोलना, इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। और ये इस तरह से मैंने इसे खोल लिया है और ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। और दोस्तों मैंने इसे अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पर। और ये जो शीट मास्क है इसका थोड़ा सा जो शीट मास्क है इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो ये पूरी तरह से आया नहीं है मेरे फेस पर और थोड़ी थोड़ी जगह छूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका रिज़ल्ट कैसा आता है फेस पर वो अभी 15 मिनट्स के बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। और ये जो गार्नियर का शीट मास्क है जो कि वाइटामिन सी शॉट फ्रेश मिक्स बूस्टर मास्क है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग और एनर्जाइजिंग बनाता है 15 मिनट्स में, ये आता है विद नेचुरल ओरिजिन विटामिन सी बूस्टर के साथ में। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट आता है दोस्तों, और फ्रेशली ही आप इसे मिक्स करेंगे। और ये इसके पीछे से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस तरह से आपको इसको मिक्स करना है और इसके इंग्रेडिएंट्स, और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को 15 मिनट में इंस्टेंटली हाइड्रेटेड बनाता है और एनर्जाइज्ड बनाता है आपकी स्किन को। और 15 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं इसे रिमूव करके आपको दिखा देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है और काफ़ी सारा सेरम मेरी स्किन पर बच गया है। और अभी मैं इसे अच्छे तरीके से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी और काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्दी हेल्दी सा फील हो रहा है स्किन में। थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी और अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग इफ़ेक्ट दे रही है इससे। और इसमें अभी भी काफ़ी सारा जो है सेरम बच गया है, तो मैं इसे अपनी नेक पर और अपने हैंड्स पर इस्तेमाल कर लूँगी। और ये वन टाइम यूज़ होता है दोस्तों, तो आप इसे रिमूव करने के बाद में इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। और इसके साथ जो वो सेरम बच गया है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने मेरी स्किन को हाइड्रेट किया है और काफ़ी अच्छा ग्लो भी मेरी स्किन में इसने प्रोवाइड किया है। और आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा थकी थकी सी है या डल लग रही है, तो आप इंस्टेंटली इसे लगा करके ब्राइटनेस ला सकते हैं अपनी स्किन में। और ये विटामिन सी वाला सेरम है इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों मैंने इसे रिमूव कर लिया था और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में कितना ज़्यादा इसने हाइड्रेशन प्रोवाइड किया है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट मेरी स्किन में आ गया है और आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो सेरम है ये बिल्कुल भी वाटरी नहीं है, ये एक ऑयल बेस मुझे लगा है, क्योंकि इसके अंदर जो ये मैंने हटाया ना शीट मास्क उसके बाद में भी ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल स्टिकी स्टिकी लग रहा है। तो आप इसे जब भी हटाएं तो आप इसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे टिश्यू से रिमूव कर लीजिए, नहीं तो ये आपको बिल्कुल अजीब लगेगा और बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टिकी, जैसे मैं अपने चीक पर हाथ लगा रही हूँ और ये इस तरह से स्टिकी स्टिकी लग रहा है। तो आप इसे टिश्यू से रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को, और आप देख सकते हैं स्किन मेरी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है और जो डल टायर्डनेस स्किन में होती है बेसिकली ये उसी के लिए काम करता है। और ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और 150 रुपीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल भी है, लेकिन वन टाइम यूज़ ही ये प्रोडक्ट है, तो अफोर्डेबल के साथ साथ थोड़ा सा ये मुझे ऐसा भी लगा कि वन टाइम यूज़ ही इस शीट मास्क को हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये इतना सारा सेरम बच गया है
ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में भी। तो 150 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और 33 ग्राम क्वांटिटी आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और देख सकते हैं दोस्तों आप मेरा ये जो, और दोस्तों इससे पहले भी मैंने गार्नियर का ब्लैक प्योर चारकोल शीट मास्क का रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगी, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये रिव्यू और डेमो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। Yeah.